प्राचीन समय में कई संत महात्मा अपना स्थान नहीं छोड़ते थे और नियमित रूप से और एकाग्रता के साथ में तपस्या किया करते थे, और उनके आसन के सिद्ध होने के कारण ही उनको जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती तो उनको उठना नहीं पड़ता था, अपितु वह वस्तु स्वयं ही प्राप्त हो जाती थी। इसे आसन सिद्धि कहा जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी मंत्रों के लिए, जितने भी मंत्र हैं उन सभी के लिए, जो भी साधक हैं जितने भी मंत्र जप करते हैं, चाहे सात्विक है चाहे तंत्र मंत्र है, किसी भी प्रकार का अगर मंत्र जप करते हैं तो आसन सिद्धि के बिना व्यक्ति का मन उच्चाटित होता है, ध्यान भंग होता है, इधर उधर ध्यान जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने आसन को ही सिद्ध कर लिया जाए, क्योंकि अगर मन में एकाग्रता नहीं होगी, मन इधर उधर भटकेगा, तो जिस देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं तो उस उपासना के अंदर आपको उसका 50% ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि आधा फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पूर्ण रूप से हमारा ध्यान उस देवता के अंदर नहीं होता है, हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में भटकता है। इस भटकाव को खत्म करने के लिए अपने आसन को सिद्ध करना जरूरी है, जिससे मन का उच्चाटन खत्म हो जाता है और व्यक्ति का ध्यान उस साधना के अंदर केंद्रित होता है। इसलिए यह प्रयोग मात्र 7 दिवस का है और नियमित रूप से अपने आसन के ऊपर इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात इस मंत्र की मात्र 1 बार फूंक अपने आसन पर मारनी पड़ती है और यह नियम 7 दिन तक करना पड़ता है, जिसके पश्चात में व्यक्ति का आसन सिद्ध हो जाता है और फिर जब भी वह किसी भी मंत्र के जप के लिए बैठेगा तो उसका मन में उच्चाटन यानी कि इधर उधर उसका ध्यान नहीं भटकेगा और नियमित रूप से एकाग्रता के साथ वह मंत्र जप कर पाएगा। यह साबर मंत्र है और गोरखनाथ जी का मंत्र है, इसलिए इसमें सबसे पहले गोरखनाथ जी को प्रणाम करना चाहिए, तत्पश्चात में इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम आसन पूजू सिंहासन पूजू, पूजू गुरु के पांव, मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। इस मंत्र का आपको मात्र 11 बार नित्य 7 दिवस तक उच्चारण करना है और नित्य 11 बार बोलने के पश्चात में 11 या 21 इन संख्याओं में बोलने के पश्चात में आपको अपने आसन पर फूंक मारनी है। यह नियम 7 दिन तक करना है। तत्पश्चात आप देखेंगे कि आपका मन जिस कभी भी आप किसी भी मंत्र की साधना मंत्र जब करेंगे, नियमित मंत्र जब भी अगर करेंगे, आपके मन में दूसरे प्रकार के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि इस मंत्र की शक्ति बड़ी अतुलनीय है। इसलिए यह बड़ा ही चमत्कारी, शीघ्र प्रभावी, तत्काल प्रभाव दिखा देने वाला शाबर मंत्र है, जो कि मैंने आपको प्रदान किया है। मंत्र दोबारा सुने, ओम आसन पूजूं सिंहासन पूजूं, पूजूं गुरु के पांव, मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको नित्य जप करना है और मात्र 11 या 21 बार मंत्र को बोल करके आपको अपने आसन पर फूंक मारनी है और 7 दिन तक ये प्रयोग करना है, और इससे आपका आसन मजबूत होगा, आपका उच्चाटन नहीं होगा और आप एकाग्रता के साथ में आसन पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।